हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया सिस्टम लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेवन स्ट्रीट्स। इसमें करना क्या है, आपको सेवन स्ट्रीट्स पे बेट करना है, जैसे 1 से लेके 19 तक होता है और दूसरी साइड से 34 से लेके 19 तक। तो ये अल्टरनेट आपको करना है। अगर आपका किसी स्ट्रीट में विन होता है, जिस साइड में आपका विन होगा आप नेक्स्ट साइड उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर बेट आपका फेल जाता है तो आप उसको सिंपल प्रोग्रेशन यूज़ कर सकते हैं या डबल यूज़ कर। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्पिन के बाद में। तो आप ये ऑटो रोलेट पे भी खेल सकते हैं, बस आपको बेट लगाने के बाद में आप वो बेट जो है वो फेवरेट में सेट कर लीजिए, मतलब आपको बेट लगाने के लिए आसान। तो अभी मैं बेट लगा रहा हूँ, मैंने 1 से लेके 19 तक बेट लगा दिया है, मैंने इसको बेट को सेव कर लिया है। सेव करने से क्या होगा कि आपको आसान हो जाएगा बेट प्लेस करने के लिए। फेवरेट्स में जाना है और आपको बेट आपकी सेव जो है उस पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली बेट प्लेस हो जाएगी। देखते क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। हमारा स्टार्टिंग बैलेंस था 1300 समथिंग, तो हमारा टारगेट एज यूजल रहेगा 20%। तो हमारा बेट पास हो गया तो हम दूसरे साइड का स्ट्रीट्स लेते हैं, ठीक है। जो एंड से आपको शुरू करना है 34 से लेके 16 तक, सेवन स्ट्रीट्स। देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। टारगेट रख के चलिए, क्योंकि टारगेट अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कब रुकना है, और इससे क्या होता है कि लॉस होना लगभग श्योर हो जाता है। तो एक टारगेट रख के चलिए, 20% एक फेयर टारगेट है जो कि मैं हमेशा रखता हूँ। तो सेकेंड बेट भी पास हो गया है। हर बेट में आपको 5 यूनिट मिलता है, मतलब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। मेरा 1 यूनिट यहाँ पे 10 रुपीज़ का है। तो अब मैंने फिर से साइड चेंज कर दिया, अल्टरनेट लगाया है। अगर आप बेट सेव कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बेट प्लेस करने में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। तो ये भी हमारी बेट पास हो गई है, टोटल अभी 150 रुपीज़ का प्रॉफिट है हमें। तो फिर से मैंने साइड चेंज कर दिया, अब 34 से लेके 16 तक के स्ट्रीट्स में 1 1 यूनिट मैंने लगा दिया है। देखते क्या रिजल्ट आता है। जब भी अगर बेट आपकी फेल हो जाती है तो आप उसको डबल कर सकते हैं, और या तो आप सिंपल प्रोग्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो ये बेट हमारी फेल हो गई है, ठीक है। तो अगर बेट फेल होती है दोस्तों तो आप डबल करिए या सिंपल प्रोग्रेशन 1 1 यूनिट इंक्रीज करिए। बेट फेल होने के बाद में जिस साइड के स्ट्रीट्स में आप चल रहा है आपका बेट, उसी में आपको बेट डबल करना है, साइड चेंज करना नहीं है आपको। तो मैंने अभी बेट डबल कर दिया है, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। ओके, तो बेट हमारी पास हो गई है। बेट पास होने के बाद में आपको साइड जो है वो चेंज करना है। अब मैंने 1 से लेके 19 तक का स्ट्रीट्स बेट लगा दिया है। टारगेट हमारा है 20%, नियर अबाउट हाफ के आसपास टारगेट हो गया अभी। ओके, तो ये बेट भी पास हो गई हमारी, फिर से हम साइड चेंज करेंगे। मैंने देखिए फेवरेट्स में बेट सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जिससे मुझे बेट प्लेस करने में आसान हो जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक साइड के लिए एक सिलेक्ट कर लीजिए और दूसरे साइड के बेट्स के लिए दूसरा, तो दो बेट्स आपकी फेवरेट्स में सिलेक्ट हो जाएगी।
देखते क्या रिजल्ट आता है हमारा। ओके तो ये भी बेट पास हो गई है, साइट चेंज करेंगे, रीबेट कर दिया है मैंने। काफ़ी इजी सिस्टम है फ्रेंड्स ये, काफ़ी इजी है और मुझे अच्छा भी लगा ये सिस्टम। टारगेट हमने एक्चुअली अचीव कर लिया है हमारा, तो हम एक और एक या दो बेट देखेंगे, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप टारगेट नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो देखिए जैसे अभी बेट यहाँ पे फेल हो गई है, तो मैं सेम साइड में ही बेट रखूँगा, रिबेट करूँगा, डबल करूँगा उसको। तो मैंने अभी डबल कर दिया है बेट, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। ओके तो ये भी बेट हमारी फेल हो गई है, रीबेट करूँगा मैं सेम साइड में और डबल कर दूँगा। आप सिंपल प्रोग्रेशन यूज़ कर सकते हैं या डबल भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपका बैंक रोल है। सिंपल प्रोग्रेशन आप यूज़ करेंगे तो एक एक यूनिट इंक्रीज़ करेंगे, और जैसे ही 3 यूनिट से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप विन होने पर 2 यूनिट कम कर देंगे। तो जैसे अगर आप 50 यूनिट में चल रहे हैं, वहाँ पे आपका विन होता है, तो आप नेक्स्ट बेट जो है वो 30 यूनिट से रखेंगे और वो विन होता है तो फिर आप बेसिक बेट पे आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब मैं डबल कर रहा हूँ तो मुझे विन होने के बाद में सीधा बेसिक बेट पे मैं आ सकता हूँ। तो देखिए ये बेट हमारा पास हो गया है। अब जैसे कि हम टारगेट से काफ़ी ऊपर हो गए, 300 अभी हम प्रॉफिट में है, तो अभी देखिए मैं सेम बेट रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी साइड में ये होगा, रिज़ल्ट आएगा। तो आप ऐसा मत करिए, बेट आप बेसिक पे आ जाइए। तो बस मैं ये ट्रायल के लिए बेट सेम इस पे रख रहा हूँ। देखते क्या रिज़ल्ट आता है। ओके तो ये भी बेट हमारी पास हो गई है फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हम 500 रुपीज़ प्रॉफिट पे है, टारगेट से हमने डबल अचीव कर लिया है। तो इसी तरह से आप खेल सकते हैं, इसको आप ट्राई करिए, अच्छी स्ट्रेटजी है। और चैनल के साथ में बने रहिए, आगे भी मैं काफ़ी सारे सिस्टम्स लेके आऊँगा और रोलेट्स की कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, और कमेंट में अगर कुछ पूछना है आपको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।